एयरलाइन की सीट के पीछे सीट गंदी। आज का औलाद एंड तो इस्लामाबाद में होगा, लेकिन शुरुआत जद्दा से हुई, जिधर मैंने शॉपिंग की पाकिस्तान के लिए खजूरों की नाइकी शूज की, जो कि काफी फेमस है, और ऑफ कोर्स एयरलाइन का रिव्यू भी है एयर सियाल एयरलाइन। वाले साहब का फोन आया जी, पाकिस्तान पहुंचो, कुछ काम है, और साथ में उन्होंने ये भी कहा है कि दो तीन चीजें वो भी लेकर आओ। तो अभी जाएंगे वो चीजें लेने के लिए, शॉपिंग फॉर गोइंग टू पाकिस्तान इंशाल्लाह। ये जी वो आइटम जो वाले साहब कह रहे हैं कि लेकर आए। ये जी सेक्शन जिसमें हमें ये मिलेगा इंशाल्लाह, और आई थिंक ये ब्रेड शेड बनाने के लिए बेकरी टाइप का कुछ सिस्टम है। रमजान करीब आ रहा है ना, तो आई थिंक दैट्स द रीजन, पापा जानी को चाहिए। ये कोई अच्छी क्वालिटी का लग रहा है, कितने का? 3000 यानी 4000 रियाल का ही। बस ये टेक्नोलॉजी देखें यार, हेयर ड्रायर है ये वाला, हमें नहीं मिल सका, कोई कंपनी है उसका ले लिया जी। अब हम आपको मिलेंगे एक और मार्केट से, जहाँ पे हम लोग खजूरें लेंगे। ये है जी मॉल जहाँ से हम लोग शॉपिंग करेंगे। इस मॉल के अंदर वो मार्केट है जिस मार्केट का मैंने इस ब्लॉग में कभी जिक्र नहीं किया भाई, और इस मार्केट का नाम है जी मैनुअल, मैनुअल मार्केट। छोटी सी रेडी हम लोग ले लेते हैं, छोटा सा सामान होगा। हमने जी जाना है खजूरों के एरिया में। सऊदी अरब में हर मार्केट में रमजान करीम यानी रमजान की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। ये जी सारी मुख्तलिफ किस्म की खजूर हैं, लेकिन वालदा ने कहा कि अजवा लेकर आना, तो ये है जी प्रीमियम अजवा इंशाल्लाह। अहमद कीप दिस इन दिस, अहमद साहब शॉपिंग के लिए आया हुआ। अहमद व्हाट आर यू बाइंग मैन? अहमद साहब ओरियो आइसक्रीम बाय कर रहा है, यल्ला कीप इट देयर। अब यहाँ पे एक ये प्रॉब्लम है कि लुक एट द कंडीशन ऑफ माय शू। ये शूज वैसे तो बड़ी अच्छी कंपनी के हैं, बट ये हालत टाइट हुई हुई है। नाइकी के शोरूम में जाना पड़ेगा। वेलकम टू द नाइकी स्टोर। सुनने में आ रहा है कि इनके पास ऐसी कोई केमिकल है जिससे जो पुराने और गंदे नाइकी शूज है वो नए हो जाते हैं। वाह, डिस्काउंट भी लगा हुआ है इनके पास। Do you have anything to clean the shoes? Clean? This is the brush. Yes. And what is this? It's for new shoes. No, I have these shoes. This is good. It's good. कहते हैं जी ये कोई ठीक है। And this is the same thing? Same. ये दो हमने ले लिए जी, ये फॉर्म है और ये ब्रश है। बट यहाँ से एक शूज भी उठा लेते हैं हम लोग। क्या बात है शूज की, कितना जबरदस्त लग रहा है, isn't it? एयरफोर्स का। Do you have any running shoes? Running? Yeah. 1, 2, 3, 4. These are all for running. क्या देंगे जी, ये रनिंग के लिए बड़े अच्छे रहते हैं। 549 रियाल के। एक शूज भी ले लिया है जी, और सफाई का मवाद भी, लेकिन ये बहाना बन गया एक अनबॉक्सिंग का, जिसके लिए हमें ऑफिस में जाना पड़ेगा। ऑफिस में जाने से पहले मैंने अजदीद 2 के सिटिंग हॉल में स्टॉप किया, क्योंकि यहाँ पे एक अपडेट देनी है। ये पूरा जितना भी इलाका है ना, यहाँ पे बुफे लगेगा। इधर पहले सिटिंग एरिया हुआ करता था, जो हमने निकाल के वहाँ पे ले गए, और एक बेहतरीन बुफे का सिस्टम यहाँ पे हमने लगा दिया फॉर रमदान। हमारी रमदान की जो तैयारी है ना स्टार्ट हो चुकी है, अभी हम आपको ऑफिस में मिलते हैं। ये है जी हमारा नाइकी का बैग जिसकी अनबॉक्सिंग करेंगे। ये जो स्नीकर्स है ना, इनके भी मेरे पास ठीक ठाक कलेक्शन है, आई रियली लव टू कलेक्ट देम। और इन शूज की मुझे अच्छी बात ये लगी थी कि ये जो नाइकी का ये लोगो है ना, जिसका मतलब है जस्ट डू इट, इनका ये जो स्लोगन है जस्ट डू इट, ये काफी मोटिवेट करता है मुझे। ये निकाल लेते हैं तस्मे, वाह, लेट्स वेयर देम, दे लुक गुड, इजंट इट अमेजिंग, जबरदस्त, लव दीज डिजाइन्स यार। इनका ये डिजाइन बड़ा अच्छा लगता है, और ये कंफर्टेबल भी बहुत है, रियली रियली कंफर्टेबल। व्हाइट शूज है ना, दे हैव बिकम रियली डर्टी, देखें। ये अलंका एयरफोर्स के जो शूज़ हैं, एयरफोर्स वाले जो शूज़ हैं, उनसे काफ़ी अच्छे हैं, काफ़ी बेहतर हैं। ये वाला इसको कहते हैं जूम। नाइकी वालों ने हमें केमिकल दिए हैं, वो इनको साफ कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, लेट्स क्लीन देम नाउ। ये हैं शूज़, ये जी शूज़ देखें कैसे तैयार हो गए, वाह, सीम्स बिल्कुल न्यू, थोड़ा सा डस्ट वगैरह है इसके ऊपर, बट जबरदस्त हो गए, अमेजिंग, यानी कि काफी अच्छा इफेक्ट रहा इस फॉर्म इस ब्रश का जो मैंने खरीदा है।
कुछ ही देर में फ्लाइट है, लेकिन अभी याद आया कि मैंने अपने भतीजों के लिए कुछ नहीं लिया। तो अब हम आ गए जी अपनी फेवरेट मार्केट दानूब। ये है जी मेरा फेवरेट सेक्शन जब मैं छोटा हुआ करता था। चॉकलेट चॉकलेट चॉकलेट, टॉफीज टॉफीज टॉफीज। लेकिन अभी हम बड़े हो गए, अभी हमारा फेवरेट सेक्शन ही ये सारी टॉफियां हैं, लेकिन मैं ये वाली लूंगा। इसमें जो है ना सब कुछ मिक्स आपको मिल जाता है जबरदस्त। ये कंप्यूटर है जो कहते हैं कि जी मुझे इस्तेमाल करें, ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट जो है ना कम हो जाती है यहाँ पे। आर यू अ लॉयल मेंबर? यस। ये बारकोड है 24 रियाल का है ये। सेलेक्ट पेमेंट टाइम। और इससे हमारी पेमेंट हो गई है, पेमेंट भी हो गई है जी और शॉपिंग भी हो गई है। अब टाइम आ गया जी पैकिंग का। ये जितना भी सामान आपको नजर आ रहा है ना, ये सारा पैक होगा। वहाँ पे कैमरे हैं मेरे, वहाँ पे लैपटॉप है, इसके अंदर बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें डाली हुई। ये वाली परफ्यूम, परफ्यूम के बाद पासपोर्ट, दूसरा मोबाइल फोन और कुछ रुपए। ये सारा जितना भी मटेरियल है चुटकी मार के हम लोग इसको पैक करेंगे इंशाल्लाह। और इससे हमारा सारा कुछ तैयार हो गया चुटकी मार के। आई विश हर चीज इसी तरह चुटकी मार के हो जाती। खैर, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एज वेल, अपना प्यारा पाकिस्तानी पासपोर्ट। वेलकम टू जद्दा एयरपोर्ट, जद्दा हज टर्मिनल। फैसल भी हमारे साथ जा रहे हैं पाकिस्तान, कुछ रही काम है इसलिए। आप नो आइडिया हमारे लिए अपनी स्पेशल टर्मिनल क्यों बनाया हुआ है। जद्दा का वैसे टर्मिनल 1 दी बेस्ट टर्मिनल है, लेकिन हमें यहाँ पे हमेशा बुलाया जाता है। यहाँ से जमजम पानी भी ले लें वालदा के लिए, वालिद साहब के लिए। जमजम भी ले लिया है जी, जमजम भी ले रही है। अभी हम जा रहे हैं टर्मिनल की तरफ। ये है जी एयरलाइन जिसमें हम लोग जा रहे हैं, एयर सियार। बोर्डिंग वगैरह हो गई है जी, बोर्डिंग भी ले रही है, ये भी ले रही है। अब है जी पासपोर्ट कंट्रोल का टाइम, अल जवाजा। वो वहाँ पे अल जवाजा आता है, अल जवाजा। अब इसके बाद वीडियो थोड़ी बंद हो जाएगी, आपको मिलेंगे हम लोग वेडिंग लॉन्च से। चेक इन हमारा इजीली हो गया था जी, अभी हम लोग पहुंच गए जी इसके दूसरे फ्लोर पे। पर यहाँ पे एक प्रॉब्लम ये है कि ऑप्शंस कम है कॉफी वगैरह के। हमारे पास यहाँ पे जी ये ऑप्शन है, पिज्जा, ब्रोस्ट, रोस्ट, चावल शावल। सर आपने क्या खाना है? मैंने जहाज में खाना है। जहाज में? यहाँ से खा लो, शायद जहाज में ना मिले। हमने जी ये पिज्जा लिया जो कि देखने में बहुत ही जबरदस्त लग रहा है। पिज्जा ले आए हैं जी फैसल आपके लिए। ये वही ब्रांड है जो मक्का में मैंने जो है ना जिसके ऊपर वीडियो बनाई है क्लॉक टावर के अंदर। ओए ओए यार, इसने ये काट लिए हैं। भाई तो ये अच्छा किया। नहीं ना, लेकिन वो जो मजा आता है ना पूरे स्लाइस में वो नहीं है। चलो नो वेस, रिव्यूइंग रिव्यूड पिज्जा कैसा? एवरेज, अल्हम्दुलिल्लाह। अलबत्ता केचप देते तो ज्यादा अच्छा। एयरपोर्ट में पिज्जा इतना फ्रेश नहीं है, लेकिन टेस्टी है, चीज़ अच्छी है। तो जब हमारा नंबर आएगा इंशाल्लाह जहाज की तरफ जाते हुए मिलते हैं। ये रहे जी, पहुंच गए हम लोग अपने टर्मिनल के अंदर वेटिंग एरिया में, और वो है जी दुम जहाज की, जिस जहाज में हम लोग बैठ के जाएंगे। एयर सियाल की आप कॉम्प्रिहेंसिव रिव्यू एक्सपेक्ट कर सकते हैं मुझसे। रश तो ठीक ठाक है भाई, अभी तक तो जहाज की सिर्फ दुम ही नजर आ रही है जब भी मैं देख रहा हूँ। हेड नज़र आ गया जी, और साथ में अपने पाकिस्तान का झंडा भी नज़र आ गया। ये चोंच है जहाज की। आई डोंट नो ये अलाउ है कि नहीं है, बहरहाल हो गया जो कुछ होना था। अलाउ है वैसे, लेग स्पेस के हवाले से ठीक है, बहुत ज़्यादा टाइट नहीं है, बट इट्स अमेजिंग। वैसे तो ये पंखे होते हैं, उसमें से ठंडी हवा आती है। टेक ऑफ के बारे में एक चीज़ ज़रूर बताना चाहता हूँ कि टेक ऑफ जो अपने पीए का था वो ज़्यादा बेहतर था बनस्पत एयर सियाल के, वो ज़्यादा स्मूथ था। ओए बहुत ज़्यादा ही गुड टाइट है। लेकिन अभी होगा जी खाने का रिव्यू। नज़र आ रहा है कि खाना आ रहा है हमारा। ये सफाई का हाल है यहाँ पे जी, पता नहीं कोक गिरी हुई है, पेप्सी गिरी हुई है, या कॉफ़ी गिरी हुई है। आई होप कि खाना साफ हो बस, और अच्छा भी हो। खाना हमारा जी आ गया। अब टाइम आ गया है कि आसमान की बुलंदी में अनपैकिंग एंड अनरैपिंग या अनबॉक्सिंग करने का। जगह हमारे पास काफ़ी टाइट है, पर इधर हमारे पास एक आइटम है, यहाँ पे दूसरी आइटम है, और ये रायता है, और ये
स्वीट डेजर्ट है आई थिंक। सबसे पहले हम इसको अनरैप करते हैं। इसके ऊपर लिखा हुआ है जी हलाल हलाल सर्टिफाइड कीमा मटर पराठा। वाह पराठे की हालत जो है टाइट है लेकिन फिर भी पराठा है, ट्राइंगल की शक्ल में बना हुआ। वाह क्या पराठा है, अरे वाह कीमा, और वहाँ पे मुर्गी भी छुपी हुई है। अभी हम जी दूसरे को अनरैप करते हैं। यहाँ पे हमारे पास तीन ऑप्शन हैं, ये पुलाव आ गया, ये चिकन आ गया, ये मटर आ गया, पराठा। ठीक है पराठा देसी घी का बना हुआ। हम लेंगे जी पराठा, थोड़ा सा पराठा लेंगे, कीमे के ऊपर लगाएंगे पराठा। बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, खाने का किसी के साथ कोई मुकाबला नहीं, ठंडा है कीमा, ठंडा है। हमें ये पैक भी प्रोवाइड किया जाता है जी, के अंदर आपको सब कुछ मिलता है, चम्मच मिलता है, कांटा मिलता है, छुरी मिलती है। ब्रांडिंग चेक करें, कांटे के ऊपर भी लिखा हुआ है जी एयर सियाल। आप कांटा लेंगे, थोड़े से मटर लेंगे, पुलाव के ऊपर लगाएंगे। बिस्मिल्लाह, पुलाव कदरे बेहतर है माशाल्लाह, अच्छा है यार अच्छा। अब आगे जी बारी चिकन की, चिकन को लगाया हमने। ओहो स्पाइसेस मिर्चियाँ, ठाक मिर्ची है यार, सियालकोट में मिर्ची ज़्यादा खाई जाती है, मिर्ची है इसलिए हमें जी ये ज़ीरा रायता लेना पड़ेगा। ये तो चटनी नज़र आ रही है, बड़ा मज़े का है। रायते को सही करके मिक्स करें जी, मुर्गी लें, रायता लें, ये अपना बाइट बनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, लेकिन पीए से बेहतर नहीं है, पीए का ज़्यादा अच्छा था, उनका खाना भी अच्छा था और सर्विस भी अच्छी थी। अब जी ये डेजर्ट की बात ही है, ऐसा लग रहा है कि कुछ चॉकलेट से मिलता जुलता कुछ। मीठी के लिए आपको छोटी सी चम्मच दी हुई है इन्होंने, ऐसा लग रहा है कि चॉकलेट केक है। वेलकम टू पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह। ये जी इस्लामाबाद एयरपोर्ट पे मिला है और इस पे लिखा हुआ है कि दबाएं, दबाएं किधर, ओह खाली पड़ा हुआ है। नो वरीज नो वरीज, बोतल का पानी पियेंगे, अपनी बारी का इंतज़ार करें। वाह वेलकम टू द इस्लामाबाद एयरपोर्ट, जद्दा परवाज उतर गई। सम बैग्स लुक द सेम, हैव यू कलेक्टेड योर ओन बैग, बट लुक एट दिस ब्यूटी ऑन दिस वॉल यार। हमारे जमजम तो आ गए लेकिन बैग अभी तक नहीं आए हैं। वैसे बैग कब आ रहे हैं? बैग बस इंशाल्लाह आते होंगे। जबरदस्त आ रहे हो यार। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाह, वेलकम बेटा पाकिस्तान, पाकिस्तान थैंक यू। आने वाले कुछ व्लॉग्स काफ़ी अच्छे होने वाले हैं तो सब्सक्राइब कर लेना। अब आपको कल मिलते हैं, बहुत थक गए यार, टेक केयर, बाय बाय।